जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। आपने पनीर की भुर्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन ये अमृतसरी पनीर की भुर्जी जरूर ट्राई करिए। अमृतसरी पनीर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, चाहे तो आप हाथों से भी पनीर को क्रश कर सकते हैं। ये देखिए पनीर को हमने ग्रेट कर लिया, अब इसे एक साइड पे रख देते हैं। अमृतसरी पनीर भुर्जी का मसाला बनाने के लिए ये मैंने 3 प्याज 3 टमाटर 1 अदरक 2 हरी मिर्च 1 शिमला मिर्च और 6 जो है मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। अब इन सब चीजों को हम अलग अलग चॉप कर लेंगे। तो प्याज को आप थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं, चाहे तो आप लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं, और टमाटर को भी आप चाहे तो लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं, थोड़ा छोटा करके भी काट सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च जो है हम थोड़ी छोटी ही काटेंगे। ये मैंने लो फ्लेम पर पैन रखा है, अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। यदि हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बेसन जल जाएगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। ये पनीर की भुर्जी बहुत ही अच्छी और टेस्टी भी बनती है। बेसन भुनने की यही पहचान होती है, जब बेसन में से खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए बेसन जो है अच्छे से भुन गया और खुशबू भी आ रही है, तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बेसन को एक बर्तन में हम पलट लेंगे। कि जिस पैन में हमने बेसन भुना था उसी पैन में मैंने अभी थोड़ा सरसों का तेल डाला है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने के बाद ही फ्लेम ऑफ करनी है। ये तेल में से जब धुआं आने लगा तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे जब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। ये मैंने 4 बड़े चम्मच दही लिया है, इसे ऐड कर देंगे बेसन में। इसमें टेस्ट के अनुसार मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें देगी मिर्च डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें किचन किंग मसाला डाल देंगे, 2 टीस्पून भर के पिसा सूखा धनिया डाल देंगे। और मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें पाव भाजी और सांबर मसाला लिया है 1/1 स्पून, उसे ऐड कर देंगे। इसे जरूर ऐड करेंगे, यदि आपके छोले मसाला हो तो आप उसे भी ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जिस बॉल से मैंने दही लिया था उसी बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे दही में, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। सरसों का तेल गरम किया था उसे डाल देंगे। अब इस मसाले में हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। यदि आप ज्यादा पनीर बना रहे हैं तो 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। मसाला हो गया तैयार और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमने जितना सरसों का तेल गरम किया था उतना हमने नहीं डाला है, थोड़ा कम ही डाला है। इस मसाले को हम एक साइड पे रख देंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रखी है, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच जितना इसमें तेल डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम बटर डाल देंगे। तेल हमने थोड़ा सा इसलिए डाला है जिससे बटर इसमें जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पहले तेल डालेंगे बाद में हम बटर डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जो हमने लहसुन अदरक काटा था उसे डाल देंगे। अब लहसुन अदरक को अच्छे से 1 मिनट तक पका लेंगे। सके तो आप पनीर की भुर्जी बटर में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको स्टर करते रहेंगे लगातार और 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है, लहसुन अदरक का थोड़ा कलर भी हल्का चेंज हो गया। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी अब हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को आप चाहें तो लंबे स्लाइस में भी काट सकती हैं, लेकिन मैंने छोटा छोटा प्याज को काटा है। प्याज को हमें हल्का हल्का ही ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसके बाद हम चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। मसाला जो है अच्छे से भून चुका है, मैंने मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूना था। अब इसमें हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। शिमला मिर्ची को छोटा छोटा काट के ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम 1 मिनट तक और भूनेंगे मसाले को। सूखे मसाले हमने दही में ऐड किए थे उसे ऐड कर देंगे। इससे जो है पनीर भुर्जी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से, जिससे मसाले जो है हमारे अच्छे से भून जाएं। उसी मसाले वाले बर्तन में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें 1 कप जितना ऐड कर देंगे और इसको स्टर कर देंगे।
ग्रेवी में जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। बेसन हम इसमें इसलिए डालते हैं जिससे क्या है ग्रेवी को बाइंडिंग मिलती है और जो ग्रेवी हमारी बिखरती नहीं है इधर उधर, बहुत अच्छा टेस्ट देती है, इसलिए इसमें बेसन ऐड किया जाता है, इसीलिए इसको अमृतसरी पनीर भुर्जी कहा जाता है। बेसन इसमें टेस्ट का भी काम करता है और बाइंडिंग का भी काम करता है। तो ये देख रहे होंगे आप बटर जो है एकदम सेपरेट हो रहा है ग्रेवी से, तो इसका मतलब जो ग्रेवी है वो अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट किया था और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। ग्रेवी आप पनीर की थिक या पतली अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम जो सिंपल पनीर बनाते हैं वो थोड़ा ड्राई सा होता है, लेकिन ये जो पनीर होता है ये थोड़ा ग्रेवी वाला होता है। इसको भी अच्छे से हम ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे, तब तक पनीर भुर्जी में से बटर जो है सेपरेट नहीं हो जाता। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया गार्निश कर देंगे और इसको भी अब हम मिक्स कर देंगे। अब 2 रोटी की जगह इसके साथ 4 फुलके खा जाओगे, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा इसमें हम दूध डाल देंगे। 1 कप मैंने इसमें अभी दूध ऐड किया है। आप इस चाहे तो भुर्जी में आधी कटोरी मलाई भी ऐड कर सकते हैं और फुल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने खाली दूध ही इसमें ऐड किया है क्योंकि मेरे घर में ज्यादा मिठास सब्जियों में पसंद नहीं करते हैं। हम इसे लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तो अब ढक्कन हटा लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे पनीर की भुर्जी ने जो बटर है वो सारा सेपरेट कर दिया है। पनीर की भुर्जी एकदम रेडी हो चुकी है। पनीर की भुर्जी को आप थिक या पतला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पर जो है फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। कढ़ाई को अब हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, बाद हम करेंगे गर्मा गर्म सर्व। तो फ्लेम को करते हैं ऑफ और कढ़ाई को अब हम ढक देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे करते हैं गर्मा गर्म सर्व। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। जय माता दी।